अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, मरकजी रोयते हिलाल कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। अल्लामा सैयद अली करार नकवी, मुफ्ती ज़बीर अहमद साजद, मौलाना फजल रहीम अशरफी, मौलाना असद जकरिया, ये लोग टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ, और इसी तरह राबते के फराइज डी जी वजारत मजहबी अमूर पाकिस्तान सैयद मुशाहिद हुसैन खालिद, जबकि फ़नी माम के लिए महकमा मौसमियात के चीफ मैट डॉक्टर सरदार सरफराज, महकमा सपारको से ग़ुलाम मुर्तज़ा और वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी खिदमात सर अंजाम दी। इसके अलावा पाकिस्तान भर में ज़ोनल रोयत हिलाल कमेटी के इजलास उनके मुतल्लिका हेडक्वार्टर लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा में मुनक़िद हो गए। अरकान ज़ोनल रोयत हिलाल कमेटी इस्लामाबाद, जो जिन्होंने हमारे साथ जो शहीद थे, मुफ्ती मोहम्मद इकबाल नईम, मुफ्ती अब्दुस्सलाम जलाली, अल्लामा सज्जाद हुसैन नकवी, ईर मुमताज़ ज़िया निज़ामी, मौलाना हारून रशीद बालाकोटी, मौलाना अबू बकर भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन। आज पाकिस्तान के अक्सर और बेशतर मकामात पर मतला साफ रहा और कुछ मकामात पर अबर आलूद भी रहा। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माए शवालुल मुकर्रम के चांद नज़र आने की कोई मुसलबा शहादत मसूल नहीं हुई, लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि इंशाअल्लाह ईदुल फितर यकम शवालुल मुकर्रम 1443 हिजरी 3 मई 2022 बरोज मंगल को होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे इस फैसले को अपनी बारगाह में कबूलो मंजूर फरमाए और हम सबको मिलकर आगे इस वतन अजीज के लिए चलने की तौफीक अता फरमाए। आप जानते हैं कि अल्लाह ने हमें बड़ा ही प्यारा और मुबारक महीना अदा किया है और हम जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है, और आज यकीनन इस मुल्क को, इस कौम को, लोगों को 30 रोज़े मुकम्मल करने का जो अल्लाह की तरफ से जो हमें मदद और ये फैसला मिला है, अल्लाह ताला इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हज़रात मोहतरम, आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश है कि हम इस वाहदत के प्लेटफार्म को और ज़्यादा मुनज़्ज़म करें और इसके ज़रिए घर घर में वाहदत के पैगाम को आम करें। मेरी कोशिश रही कि मैं पूरे मुल्क के ज़ोनल जो हमारे कमेटियां हैं उनके साथ रابطے में रहा, और इसी तरह मुख्तलिफ जो और हमारे सामने लोग थे उनको भी हमने देखा और फिर हमने उनको परखा, और उसके बाद हमें कोई शरी शहादत जो है वो मसूर नहीं हो सकी। तो बहरहाल हमारी कोशिश इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आगे भी यही रहेगी कि हम मिलकर आगे बढ़ते रहें, मौसमियात वाले भी, सपारकों वाले भी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी अपने तमाम जो पूरे मुल्क में उनका नज़म है उससे जब रिपोर्ट्स ली तो उसमें भी कहीं पर
चांद नजर आने की कोई बात नजर नहीं आई। बलोचिस्तान, पंजाब, सूबा खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध में भी जो जोनल कमेटियां हैं वो भी हमारे रबते में रही। बहरहाल अल्लाह ताला इस फैसले को कबूल फरमाए, आए मिलकर आगे बढ़ें, इस मुल्क को आगे लेकर जाएं, और फिर जो हमारी हुकूमत, हमारी अफवाज और हमारे कौमी सलामती के इदारे इस मुल्क के तहफ्फुज के लिए, इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए जो काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसे कबूल भी फरमाए और कामयाबियां और कामरानियां भी अता फरमाए। तो आए हम सब मिलकर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इन दुआओं को और इस फैसले को कबूल फरमाए। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मदिन।